Assalamualaikum everyone, this is Ali from Mastek. दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमरा कंपैरिजन P20 Lite का और Y7 Prime 2018 का। वैसे तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन मेरा काम है आपको कैमरा रिव्यू देना कि दोनों में से आपको कैमरा किस में बेहतर मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मुझे आपकी तरफ से देखने को मिलता है कि यार आप प्राइस नहीं देख रहे होते और कंपैरिजन दे रहे होते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको कंपैरिजन देना। लोग 3310 के साथ आईफोन एक्स का भी कंपैरिजन करते हैं भाई, जस्ट फॉर नॉलेज। तो अगर आप Huawei के फॉलोअर्स हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंस देख लीजिएगा। P20 Lite में आपको मिलता है फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि अपर्चर में होता है 2.0 के, और Y7 2018 में आपको मिलता है कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए होता है, 13 मेगापिक्सल का मिलता है जिसका अपर्चर है 2.2। यहाँ दोस्तों कलर्स आपको काफ़ी हद तक बेहतर P20 Lite में लग रहे होंगे, ब्राइटर लग रहे हैं Y7 2018 में। अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें, मैं थोड़ा सा पीछे चल के बताता हूँ, तो P20 Lite में कदरे बेहतर आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही होती है। और ऑल ओवर अगर कलर की बात करूं, डायनामिक रेंज की बात करूं, तो ये आप देखेंगे कि मैंने जो शर्ट पहनी हुई है वो रेड कलर की है। P20 Lite में आपको रेड ही कलर मिल रहा है, लेकिन आपको Y7 2018 में थोड़ा सा कलर डल मिल रहा है, क्योंकि HD डिस्प्ले है। P20 Lite सपोर्ट करता है फुल HD प्लस डिस्प्ले को। कलर्स शार्प एजेस की बात करूं, तो आप मेरे बालों पर गौर करेंगे तो आपको बालों के अंदर Y7 Prime 2018 में काफ़ी नॉइस नज़र आ रहा होगा, बाल जो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे होंगे, और P20 Lite में आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नाइट मोड के कैमरे की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं। अब चलते हैं नाइट मोड के कैमरा की तरफ, सो लाइट्स ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं P20 Lite के फ्रंट कैमरा से जो कि 16 मेगापिक्सल, और Y7 Prime 2018 के फ्रंट कैमरा से जो कि 13+2 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल को होता है मेन कैमरा। दोनों के अंदर अपर्चर आपको प्रॉपरली अगर देखा जाए तो P20 Lite में आपको अपर्चर मिलता है 2.0 का, और 2.2 का मिलता है Y7 Prime 2018 में। Y7 Prime 2018 में आपको फ्रंट पर सॉफ्ट लाइट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन P20 Lite में अगर आप पिक्चर्स कैप्चर करते हैं फ्रंट कैमरा से, तो आपको लाइट फ्लैश लाइट मिलती है, स्क्रीन फ्लैश लाइट का काम करती है। अभी मैंने ब्यूटी मोड ऑन किया है, दोनों का ब्यूटी रेशियो 5 पे है, 1080p पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की, तो स्टेबलाइजेशन में आपको थोड़ा सा चल के दिखाऊंगा कि आपको किस में बेहतर मिलती है। P20 Lite में काफ़ी बेहतर आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है। जी हाँ, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आप 20,000 वाले फ़ोन को एक 36,000 वाले फ़ोन से कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बेहतर कैमरा रिव्यू देना, कंपैरिजन देना। तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आप अंधेरे में आके देखें कि Y7 Prime ने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस करना छोड़ दिया है, हालांकि P20 Lite में आपको अभी भी मेरा चेहरा साफ नज़र आ रहा होगा। फ्रंट में फ्लैश लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा आपको देंगे रियर पिक्चर्स के बाद, रियर कैमरा देखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सेल्फी की, तो ये सिंपल सेल्फी ली गई है आपको Y7 Prime में। ब्राइटर कलर नहीं नज़र आ रहे होंगे आपको, अब इसका जो डायनामिक रेंज है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, नॉइस मिल रहा है हेयर्स में। आप अब मेरे बैक साइड पर मेरे फ्रेंड को भी देखेंगे तो उसका चेहरा क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप बात करें P20 Lite की, तो डायनामिक रेंज बेहतर मिल रही है, थोड़ा बहुत नॉइस बालों में है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पीछे के कलर, लीव्स के कलर बड़े बैलेंस मिल रहे हैं। जो ओरिजिनल कलर है वही P20 Lite दिखा रहा है। P20 Lite के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल अपर्चर 2.0 के साथ, और Y7 Prime में सामने मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में ही आप देखेंगे तो P20 Lite जो होगा डे लाइट में सेल्फी कैमरे में विनर होगा। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर की, तो ये पिक्चर मैंने ली है सेम ही कंडीशन में पोर्ट्रेट मोड में। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। Y7 Prime में तो पोर्ट्रेट नज़र ही नहीं आ रहा फ्रंट कैमरे से, डायनेमिक रेंज कम है, कलर कम्बिनेशन कम है, ग्रीन लीव्स को थोड़ा सा डल करके दिखा रहा है बैक साइड से, बालों में नॉइस है, इवन चेहरे पे नॉइस है। और अगर आप P20 Lite के पोर्ट्रेट की पिक्चर की बात करें तो आपको ऑल ओवर बैलेंस मिल रहा है। दोनों ही पिक्चर मैंने ब्यूटी मोड 5-6 से कैप्चर की हुई है। P20 Lite में कस्टमाइजेशन काफ़ी मिल रही है, मेरे चेहरे के दाग नज़र नहीं आ रहे। ऑल ओवर मैंने जो P20 Lite का रिव्यू दिया था आपको, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि P20 Lite पोर्ट्रेट मोड पर काफ़ी सारा नॉइस चेहरे से ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर देता है, पिंकिश कलर ज़्यादा देता है। तो इन दोनों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो P20 Lite क्लियरली विनर होगा पोर्ट्रेट मोड में भी। अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो हमारी अगली जो पिक्चर है ये मैंने ली हुई है नाइट के सेल्फी में। हालांकि Y7 Prime में फ्रंट पर फ्लैश लाइट मिलती है और P20 Lite में आपको नहीं मिलती,
डिफरेंस आपके सामने है इस पिक्चर में। Y7 प्राइम में लो लाइट इफेक्ट में, आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा नॉइस मेरे चेहरे पर नज़र आ रहा होगा, जो कि P20 लाइट पे नहीं है। ये सिंपल एक मोड में पिक्चर खींची गई है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, ना ही पोर्ट्रेट मोड ऑन था, ना ही ब्यूटी मोड ऑन था, लेकिन P20 लाइट ने काफ़ी अपर्चर लेवल की वजह से, 2.0 लेवल की वजह से काफ़ी कवर किया मेरे चेहरे के जो भी दाग थे या नाइट मोड का जो इफेक्ट मेरे चेहरे पर आ रहा था। सो नाइट मोड में भी सेल्फी कैमरा की पिक्चर में अगर देखें तो P20 लाइट क्लियरली विनर होगा एज कम्पेयर टू Y7 प्राइम 2018। या दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी अगली पिक्चर की तरफ। ये पिक्चर मैंने जो ली थी, ये मैंने ली थी पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी के Y7 प्राइम में। एज यूजली जो डे लाइट में फ्रंट पे हमें पोर्ट्रेट नहीं मिला, ऐसा ही हमें नाइट में फील हुआ। P20 लाइट ने बहुत बैलेंस कैमरा Huawei ने P20 लाइट का बनाया सेल्फी के लिए। जो सेल्फी लवर्स हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा कैमरा चाहिए, तो उसके लिए P20 लाइट एक बहुत बैलेंस डिवाइस है। Y7 प्राइम का कैमरा नॉइस नज़र आ रहा है आपको, डायनामिक रेंज नज़र नहीं आ रही आपको, क्रिस्प नहीं मिल रहा, कलर्स में डल नज़र आ रहे हैं, P20 लाइट में शार्प नज़र आ रहे हैं, चेहरे पर रोशनी पूरी पड़ रही है। एक ही लाइट कंडीशन में ये दोनों ही पिक्चर्स कैप्चर की गई हैं, आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा होगा। हेयर्स में नॉइस नज़र आ रहा है Y7 प्राइम में आपको, इवन जो हेयर्स हैं वो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे, इवन मेरे जो आईब्रोज हैं वो भी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे। सो विनर होगा P20 लाइट पोर्ट्रेट मोड में नाइट के। अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो अगली पिक्चर मैंने ली है ये रियर साइड के कैमरा से नॉर्मल पिक्चर कैप्चर की गई है। कलर की बात करूँ तो कलर P20 लाइट मेरी शर्ट का कलर भी रेड दिखा रहा है, मेरे पीछे जो फूल हैं उनको भी रेड दिखा रहा है, लेकिन Y7 प्राइम के रियर कैमरे के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी सारा नॉइस दिखाता है, चाहे वो डे लाइट हो चाहे वो नाइट मोड हो। आप नोटिस करेंगे Y7 प्राइम में ना तो शर्ट का कलर प्रॉपर मिल रहा है आपको, सेम ही कंडीशन में सेम ही स्टाइल में पिक्चर खींची गई एक ही जगह खड़े, और ऐसे ही जो अगर मेरे बैक साइड पर आप लीव्स देखेंगे तो लीव्स में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा होगा। इवन रेड कलर को काफ़ी हद तक ये जो है वो लाइट कर जाता है, ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से कैमरा मुझे Y7 प्राइम का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की रियर साइड की पिक्चर की, तो इसमें भी क्लियरली P20 लाइट ही विनर होगा ऑब्वियसली। पोर्ट्रेट मोड में बैक साइड बहुत अच्छा ब्लर किया, कस्टमाइज़ किया, फोकस किया मुझे इसने, और दिखाया कि एक चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ, और रियर साइड पर ब्लर किया। Y7 प्राइम में ना तो मुझे रियर साइड पे ब्लर मिला प्रॉपर, ना ही मुझे फ्रंट कैमरे से। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो P20 लाइट बड़ी बैलेंस कैमरा डिवाइस है। मेरा काम है आपको कैमरे के बारे में बताना इस वीडियो में, या जो भी मैं कैमरा रिव्यू लेकर आता हूँ उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रियर और फ्रंट साइड के कैमरा में क्या अपर्चर लेवल मिलता है, क्या कैसे बुके इफेक्ट मिलते हैं। इवन दोनों फोन के अंदर आपको रियर कैमरे में वाइड एंगल व्यू भी मिल जाता है। वाइड एंगल से ये होता है कि आपका जो बैक साइड का, या अगर फ्रंट पे वाइड एंगल जिसको ऑप्शन मिलती है उसे, आपका जो बैक साइड है ये वाइड नज़र आता है और ऑब्जेक्ट बड़ी क्लियर नज़र आता है। सो इस वाली वीडियो या इस वाली पिक्चर में भी ऑब्वियसली P20 लाइट ही विनर होगा। अब बात करते हैं नाइट मोड की पिक्चर की, तो सॉरी डे लाइट की पिक्चर की। ये मैंने एक पिक्चर ली है क्लोज ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें मुझे काफ़ी हद तक Y7 प्राइम बेहतर लगा। क्लोज जो मैंने कैप्चर की इस पिक्चर को, इसमें आपको शार्प एजेस शार्प नज़र आ रहे होंगे, फोकस प्रॉपर कर रहा है, लेकिन ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है, बैक साइड ब्लर प्रॉपर नहीं कर पा रहा Y7 प्राइम। लेकिन पहली ये ऐसी पिक्चर होगी या क्लोज पिक्चर होगी जो मुझे Y7 प्राइम से लेके पसंद आई। सीड्स आपको बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं, एजेस क्लियर नज़र आ रहे हैं, कलर्स कम्बिनेशन प्रॉपर मिल रहा है, डायनामिक रेंज प्रॉपर मिल रही है। सो इस मामले में Y7 प्राइम को 10 में से 8 नंबर देने पड़ेंगे भाई, नहीं देंगे तो लोग मारेंगे भी। अब बात करते हैं P20 लाइट के कैमरे की, तो P20 लाइट के कैमरे से मैंने सेम ही जगह एक पिक्चर कैप्चर की है, बैक साइड ब्लर कर गया, लेकिन इसमें मुझे एक इशू फील हुआ। आप देखेंगे कि इस सूरजमुखी की फूल के साथ एक बैक साइड पर एक और फूल भी है, उसको ये ब्लर नहीं कर पाया, मतलब दोनों को फोकस किया। होता अमूमन ये कि पोर्ट्रेट मोड में एक ऑब्जेक्ट को क्लोज फोकस करना चाहिए और बाकी को ब्लर करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कमी मुझे P20 लाइट के कैमरे में भी लगी। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो बड़ा बैलेंस कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, वाइड एंगल व्यू मिलता है आपको, मूविंग पिक्चर्स मिलती हैं इसमें, इसके अंदर आपको ब्यूटी मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है। सो P20 लाइट इज क्लियरली विनर। अब मैं एक पिक्चर की बात करूँगा, ये मैंने बड़े आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ली हुई है, ये है पोर्ट्रेट मोड में, मैंने इनडोर लाइट में ली है। सो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको P20 लाइट ने बड़ा अच्छा फोकस किया जूम के साथ, मतलब जब आप पोर्ट्रेट ऑन करते हैं तो ऑब्वियसली 1x 2x जूम हो जाता है, जिसमें 2x जूम अवेलेबल हो P20 लाइट में 1x जूम है,
और Y7 प्राइम में कुछ प्रॉपर पोर्ट्रेट मोड में आपको जूम नजर नहीं आता, लेकिन Y7 प्राइम ने भी अच्छा काम किया। आप 4K 10 तो देखेंगे तो फोकस बड़ा अच्छा P20 लाइट ने किया, Y7 प्राइम में थोड़ा सा नॉइस नजर आया। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो Y7 प्राइम भी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में बराबर ही रहा। अब बात करते हैं रियर साइड की वीडियो की, तो चलते हैं रियर साइड की वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम P20 लाइट के रियर कैमरे से और Y7 प्राइम 2018 के रियर कैमरे से। Y7 प्राइम 2018 में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो कि अपर्चर होता है 2.2 का, और P20 लाइट में आपको मिलता है 2.0 का अपर्चर लेवल, 16+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है। डायनामिक रेंज की बात करेंगे तो P20 लाइट में आपको काफ़ी हद तक क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ग्रास का कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, इवन जो सामने आपको ट्री नज़र आ रहा है इसके भी कलर ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और Y7 प्राइम 2018 में काफ़ी हद तक आपको ब्राइटर और नॉइस नज़र आ रहा होगा, डायनामिक रेंज ज़रा भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो स्टेबलाइजेशन भी जैसे फ्रंट कैमरा में आपको P20 लाइट में बेहतर मिली, एज इट इज़ आपको ऐसे ही Y7 प्राइम 2018 में नहीं मिलेगी और P20 लाइट में बेहतर मिलेगी। अब फोकस की बात करेंगे तो मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा कि कौन सा फ़ोन जल्दी फोकस कर पाता है कौन सा नहीं। ये लीव्स हैं, इनको हम फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको P20 लाइट काफ़ी हद तक बेहतर फोकस कर पाता है Y7 प्राइम 2018 से, लेकिन कलर्स आपको नॉइस Y7 प्राइम 2018 में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा में क्लियरली डे लाइट में विनर होगा P20 लाइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लगा कौन सा नहीं। मेरा व्यू यही होगा कि P20 लाइट बहुत बेहतर है। अगर आप कैमरा फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो P20 लाइट ही लीजिएगा। सो चलते हैं गाइस नाइट मोड के रियर कैमरा की तरफ, तो चलिए चलते हैं। यहाँ दोस्तों हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं P20 लाइट के रियर कैमरा से जो कि 16 मेगापिक्सल का, और Huawei Y7 प्राइम 2018 के ही फ़ोन का रियर कैमरा है जो कि 13+2 मेगापिक्सल। और आपको कलर्स की बात करें तो P20 लाइट में बिल्कुल नेचुरल कलर मिल रहा है, दोनों में फ्लैश लाइट ऑन है। 1080p पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। Y7 प्राइम काफ़ी हद तक नॉइस नज़र आ रहा है और कलर्स आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहे। और बात स्टेबलाइजेशन की करेंगे आपको, मैं थोड़ा थोड़ा चल के दिखाऊँगा थोड़ा सा कि आपको स्टेबलाइजेशन किस में बेहतर मिलती है किस में नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्टेबलाइजेशन भी P20 लाइट में आपको काफ़ी बेहतर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू Y7 प्राइम। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी रेडिश कलर है, Y7 प्राइम में इतना बुरा रिस्पांस नहीं देता लाइट में आके, लेकिन जब लो लाइट में जाता है तो काफ़ी डल नज़र आता है। P20 लाइट में आपको कलर काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं, Y7 प्राइम में भी बुरे नहीं मिल रहे। अगर ये मेरा कैमरा कंपैरिजन आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा इसमें मैं क्या बेहतरी लेके आ सकता हूँ क्या नहीं। अब बात करेंगे फोकस की तो आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ोन बेहतर फोकस कर पाता है। काफ़ी हद तक Y7 प्राइम और P20 लाइट की फोकसिंग सेम है, बहुत जल्दी ही दोनों फोकस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था एक रिव्यू Y7 प्राइम 2018 को और P20 लाइट को लेके कैमरा कंपैरिजन था। मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा दोनों में से किसका कैमरा आपको बेहतर लगा किसका नहीं। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।